नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। पीएम मोदी झांसी दुर्ग से देंगे सेना को स्वदेशी ताकत की सौगात। करतारपुर कॉरिडोर खोलने के लिए राष्ट्रपति कोविंद और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले पंजाब के भाजपा नेता। कंगना रनौत के आजादी वाले बयान पर बोले बिहार सीएम नीतीश, आश्चर्य है कि इतना प्रचार कैसे मिला। सुरक्षा बलों पर उग्रवादियों के हमले का खतरा, खुफिया इनपुट के बाद जारी हुआ अलर्ट, बढ़ाई गई सुरक्षा। श्रीनगर में आत्मघाती हमले की साजिश नाकाम, दो आतंकी और एक मददगार ढेर। राष्ट्रीय प्रेस दिवस आज, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी पत्रकारों को शुभकामनाएं। मुफ्त अनाज के साथ राशन कार्ड धारकों को नमक, दाल और खाद्य तेल भी यूपी सरकार ने जारी किया आदेश। पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा और उनके पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश, लाखों की धोखाधड़ी का मामला। उत्तर प्रदेश में बढ़ाई जाए बैंक शाखाओं और एटीएम की संख्या, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र से किया आग्रह। समाजवादी पार्टी का पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के साथ गठबंधन और लेबर एस पार्टी नव निर्माण पार्टी का भारतीय किसान सेना का सपा में विलय। तालिबान ने आईएस के खिलाफ शुरू किया अभियान, कंधार में मारे गए 4 आतंकी। अमेरिका ने रूस पर लगाया एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट करने का आरोप, कहा मलबे से हुई अंतरिक्ष यात्रियों को परेशानी। भारत में यूएन के कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति, महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने की घोषणा। गलवान में मारे गए सैनिकों का खुलासा करने वाले अपने ही ब्लॉगर को चीन ने दी सजा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बहाल होगी बस सेवा, पेशावर से जलालाबाद तक बस से सफर कर सकेंगे लोग। कस्टम विभाग जब्त की हार्दिक पांड्या की 5 करोड़ की घड़ियां, हार्दिक बोले वो कानून का पालन करने वाले हैं नागरिक। अख्तर बोले बाबर आजम के साथ हुई नाइंसाफी, डेविड वार्नर को नहीं मिलना चाहिए था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। डेविड वार्नर को किसी और वजह से किया गया था एसआरएच से बाहर, कोच का बड़ा खुलासा। रोहित शर्मा सवाई मानसिंह स्टेडियम में कर रचेंगे इतिहास, 38 साल पहले पाकिस्तान को मिली थी करारी हार। केएल राहुल ने नए कप्तान रोहित शर्मा को लेकर कही बड़ी बात, बोले सभी को अपना रोल पता होना चाहिए। राजकुमार राव और पत्रलेखा की रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। गोवा में धूमधाम से हुई पूजा बनर्जी की मेहंदी और हल्दी सेरेमनी, पति संग दोबारा लिए 7 फेरे। राखी सावंत का नया गाना हुआ रिलीज, खाली की टेंशन में जबरदस्त डांस करती दिखी एक्ट्रेस। केआरके का दावा, कई टुकड़ों में बटा बॉलीवुड, अक्षय अजय बने दोस्त और कई सितारे हुए एक दूसरे के दुश्मन। थप्पड़ वाले पवेल गुलाटी ने शुरू की सोनी लिव
की वेब सीरीज फाड़ू की शूटिंग अश्विनी अय्यर तिवारी कर रहे निर्देशन। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।